लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और आज हम घोसी में मौजूद हैं। घोसी में जो कल मतगणना हो रही थी उसमें जो है सबसे चर्चित नाम जो था वो लीलावती राजभर का था, और लीलावती राजभर का नाम जो है राजनीतिक गलियारे में यहाँ से और दिल्ली तक लेके हलचल मचा दिया। खास करके ओम प्रकाश राजभर को जो है ज़्यादा चक्कर में डाला है और जो है ओम प्रकाश राजभर भी चक्कर में पड़ गए कि लीलावती राजभर हैं कौन, और नेता बड़े बड़े नेता जो है इनका नाम लेके पूछ रहे थे कि आखिर लीलावती राजभर जो है 47,000 वोट प्लस से जो है प्लस वोट मिला है, 47,000 से ज़्यादा वोट मिला है, तो अचानक लीलावती राजभर जो है चर्चा का विषय बनी रही। उसी लीलावती राजभर के साथ है मूल निवास समाज पार्टी से जो है इनको टिकट मिला था और इनका निशान जो था हॉकी और बाल था। तो आइए मैं इनसे बात करता हूँ, ये जो है किस तरीके से जनता का धन्यवाद देना चाहती हैं और इतना वोटों का जो है वोट का इनको प्यार मिला तो आखिर क्यों मिला। स्वागत है आपका। पहले तो आप मीडिया भाइयों को सबको धन्यवाद है जी। और आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। क्योंकि मीडिया लोग ही हैं जो कि मतलब हर एक चीज़ को क्षेत्र में विकास करने का काम करते हैं। हाँ। इसलिए आपका बहुत बहुत आभार जी। क्या वजह रही आप जो है 47,000 वोट पाई हैं और जो है नेता जो हैं बड़े बड़े नेता आपका नाम ले रहे हैं और बहुत चर्चा है, क्या वजह रही जो है 47,000 वोट पाने का आपका? मैं मूल निवासी समाज पार्टी की हूँ प्रत्याशी, लेकिन देखिए ये तो जनता का प्यार है और उन्होंने इतना मुझे स्नेह प्यार दिया और मेरा साथ दिया कि यहाँ तक मुझे पहुँचाने का काम किया है, और जनता को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि जनता इसी तरह मेरे साथ बनी रहे। आपके जो है इतना वोट पाने का श्रेय किसको जाता है? इतना वोट पाई हैं, किस किस का आशीर्वाद रहा और किसके वजह से जो है आपको इतना वोट मिला? वोट पाने का श्रेय जाता है, पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भीमसेन राजभर जी हैं जी। उन्होंने मुझे बहुत मेहनत किया और टिकट दिया और साथ में रहे, और जितनी हमारे कार्यकर्ता रहे उन्होंने साथ में लगकर मेरे साथ गली गली एकदम घर घर जाकर हम लोग घूमे और वोट मांगने का प्रयास किया, और सब लोगों ने मुझे वोट देने दिया, और मैं इस जनता को इतना प्यार और आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। इतनी खुशी हो रही है, इतने जो है पहले बार आप चुनाव लड़ी थी, खास करके आप नेत्री भी नहीं हैं, कभी मतलब लोगों के साथ आई गई नहीं थी, कभी मंच आपने नहीं साझा किया था, चाहे कभी इस तरीके का राजनीतिक आपका करियर नहीं रहा है, तो अभी अचानक एक बार जो है पहली बार में इतना वोट पाने के बाद आपको कितनी खुशी मिल रही है? खुशी मैं अभी व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, खुशी तो मुझे बहुत है कि जनता ने मुझे इतना प्रेम दिया है और साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार करती हूँ। वहीं आपके समाज से ओम प्रकाश राजभर के लड़के भी थे और जो है उनको हार मिली है और आपको बहुत ज़्यादा प्यार दुलार मिलता है, तो आप क्या मानते हैं कि राजभर समाज का भी वोट हमको आया है? बिल्कुल, राजभर समाज का बिल्कुल वोट आया है, और राजभर समाज देखिए उन्होंने बिल्कुल वोट देकर मुझे ये नकार दिया है कि ओम प्रकाश कुछ नहीं कर सकते थे और उनको अब यहाँ से जाना ही था, लेकिन वो ठीक अच्छा ही हुआ है जो हुआ। ओम प्रकाश चाचा को क्या कहना चाहेंगे आप? अब ओम प्रकाश चाचा को मैं क्या बोलूं, अब जो जैसा करता है वैसा भरता है, अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल, राजीव राय जो है आपके सांसद हो गए, माननीय हो गए, माननीय सांसद हो गए हैं, तो राजीव राय को कुछ कहना चाहेंगी आप? राजीव राय जी को मैं धन्यवाद करती हूं और उनको कहती हूं कि आप जीते हैं तो आप जिस लिए आप जीते हैं उस कार्य को ज़रूर करिएगा, क्योंकि जनता का पूरा विश्वास और प्यार आप पे है, और उन्होंने इसी साथ हौसला लेकर किया है कि आप मेरे लिए कार्य करेंगे गरीबों को और किसान स्वास्थ्य सुविधा और स्वास्थ्य सुविधा शिक्षा इसको लेकर सारे कार्य जितने भी हैं आप हम उनको करेंगे और जनता का सपोर्ट करेंगे और विकास करने का प्रयास करेंगे। अभी आपको अगर जो दोबारा मिला यहाँ से मौका कभी फिर इलेक्शन लड़ने का तो आप क्या करेंगी? बिल्कुल मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल लड़ूंगी, और सब जनता से मैं अपील भी यही कर रही हूँ कि मेरा जनता साथ दे, मैं हमेशा उनके दुख सुख में बनी रहूँगी और आगे विकास करने का भी प्रयास करूँगी। बिल्कुल, ये लीलावती राजभर थी जो चर्चा में है कल से, और बड़े बड़े पार्टियों में जो है इनके नाम की गूंज जो है लीलावती राजभर की और हॉकी बाल की गूंज, और भीमसेन जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लीलावती राजभर का नाम जो है ऊंचाइयों पे जाता नज़र आ रहा है, और
कुछ नेताओं का जो है पत्ता साफ हो रहा है, नेताओं में हलचल है कि आखिर लीलावती राजभर अचानक एक कौन सा नाम है और क्या कौन सी ये जो है महिला है कि बड़े बड़े पार्टियों को जो है पीछे छोड़ दिए हैं। इनका स्थान जो है घोसी में चौथे स्थान पे था, 47,000 वोट से ये जो है प्लस थी, 47,000 से अधिक वोट पाई है। तो मेहनत इनकी रंग लाई है, काफ़ी इन्होंने मेहनत किया है। तो इस लीलावती राजभर के बारे में आपका क्या कहना है और इनके पार्टी के बारे में और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेन के बारे में क्या कहना है, भीमसेन राजभर के, आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी जो है प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।